गुस्सा होते रहती है, जो आवाज चिल्ला रही है। ये बोल रही चूरा खाए, चूरा लाओ खाए। हाँ तो आवाज कर रही थी ना, पूरा जोर जोर से चिल्ला रहे। क्या हुआ? गमला छोड़ दिया ऐसे, उसमें रोटी है तो रोटी नहीं। तो आरती जी भी रोटी और थोड़ा सा है माला है वो देते हैं खाने के लिए। रात का है रोटी, सब चूहा काट दिए हैं, तब पर भी खाएंगे। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते प्रणाम, कैसे आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज देखिए दोस्तों, अभी आरती जी उधर किचन रूम में इतना ज़्यादा किस पे गुस्सा हो रही है पता नहीं पता नहीं आरती जी को क्या हो जाता है कि गुस्सा होते रहती है ना। तो अभी जो आवाज चिल्ला रही है, ये बोल रही चूरा खाए, चूरा लाओ खाए। हाँ तो आवाज कर रही थी ना, पूरा जोर जोर से चिल्ला रहे। क्या हुआ? गमला छोड़ दिया ऐसे, उसमें रोटी है तो रोटी नहीं निकलेगा, और निकलेगा और देना। हॉटपॉट में रोटी रहता था, आज गमला में ही रहेगा। तो क्या करोगी, बच्चा सबसे कितना अभी बताओ। दोस्तों हम लोग जो है अभी भर दिन जो है खेत में ही रहते हैं, और काम जितना भी है सब करते हैं उधर, और घर में कोई करने वाला नहीं है। आप ही बताइए दोस्तों कि बच्चे सबसे कितना होगा है? नहीं खाइएगा, लोन निकालो ना कुछ खा लेंगे ना। ये पानी है ना दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, अभी खाना बना नहीं है फिलहाल। देख सकते हैं इधर, देख सकते हैं खाना उना नहीं बना है अभी, सिर्फ चाय पिए हैं। और अभी हम लोग निकल जाएंगे मूंग तोड़ने के लिए खेत दोस्तों, और एक बार जो है 12 बजे आएंगे, उसके बाद आएंगे आरती जी तो खाना वाना बनाएंगे, नहीं तो बच्चा सबसे थोड़ी हो पाएगा, खाना वाना बना थोड़ी पाएंगे, नहीं बना पाएगा। तो थोड़ा बहुत चाय चू बना लेती है तो उतना तो कर लेते, बहुत करती है ना। बाकी जो है अब झाड़ू लगाती है वो थोड़ा बहुत कर लेती है, और वो तो भर दिन थोड़ी लगाना है, सुबह में एक बार लगता है, एक बार शाम को लगता है बस, है ना। और तभी से वही चिल्ला रही थी, हम सोचे कि गुस्सा कर रही है बच्चे पे, इसीलिए क्या हुआ क्या बोली आरती जी जोर से जो बोले ना, इसलिए आपको लगा कि हाँ तो आवाज सुनाई दे रहा था ना दोस्तों, इसीलिए हम आए, आखिर सोचे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है घर में, है ना। तो आए तो इधर बच्चे सबको चूड़ा के बारे में बोल रहा था, चूड़ा जो कुटा के लाए है ना, धान का चूड़ा, उसी के बारे में बोल रहे थे। तो चलिए अभी जो है रोटी दे रही है आरती जी। तो आरती जी अभी रोटी और थोड़ा सा है माला है वो देते हैं खाने के लिए। रात का है रोटी, सब चूहा काट दिए हैं, तब पर भी खाएंगे दोस्तों, क्या करेंगे, अभी कुछ भी नहीं है बना, है ना। निकालो निकालो, दो ही को रोटी है। हाँ नमक ले लो थोड़ा सा, दही तो ही नहीं मिला ना, दही नहीं मिला ना, निकाले थे वही। चलिए अभी जो है ना खा लेते हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हड़बड़ी नहीं करना है, देखो काम सब करना है, ठीक है। धूप निकल जाएगी तो बात सही है दोस्तों, धूप निकल जाए। अब मैं थोड़ी है कि अपना घर का काम नहीं करेंगे, सीधा खेत चल जाएंगे। अरे वो नहीं है कि अभी देखे घर का काम, मालक है तो क्या हो गया खेत का, घर में नहीं, भगवान ये बता रहे हैं घर में 12 बजे तक तो काम करेंगे ना, धूप में थोड़े ना बाहर जाएंगे, इसलिए घर पर कर। बाकी घर में सुबह सुबह जो भी काम, आज मम्मी पापा भी नहीं थे इसीलिए आज सारा काम किया हम लोग मिल के, है ना। और हमारे हस्बैंड जी दोस्तों कभी गाय भैंस को नहीं देखते थे, लेकिन आज अपने से निकाले, कुट्टी लगाए, गोबर उठाए, द्वार का सारा काम किया, और हम सिर्फ द्वार बाहर, क्या करेंगे, मुसीबत क्या न करें। वैसे पापा रहते तो नहीं देते है करने के लिए, हम सच बता रहे हैं सुबह सुबह, है ना, जो बात है परफेक्ट वही बता रहे हैं दोस्तों। रोटी और दे दो, दो गो है, दो गो और दे दो, बस नाश्ता हो जाएगा दोस्तों, बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आप लोग को पता नहीं है हम लोग का घर का स्थिति क्या है ना है दोस्तों, सच बोल रहे हैं, घर का स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, है ना। वो देखिए गिरा दिए नीचे, उठा लो फटाफट, है ना, खाइए खाइए, चलिए खा लेते हैं, चलिए बने रहे आप लोग दोस्तों। खत्म भी लग रहा है, नहीं ज्यादा खट्टा नहीं, थोड़ा बहुत खट्टा है, तो अभी थोड़ा दही मिला दे, सब चीज रास्ते का है ना, दही का मिलाई थोड़ा सा, वो खट्टा अति महंगा किया था इसलिए थोड़ा सा बुढ़वा के इनको हम बोले कि दही वही नहीं मिलाने के लिए, अच्छे लगे थोड़ा सा, जब अगर रहेगा ना मलाई तो उसी में हम 10 रोटी खा लेंगे, लेकिन कभी भी भूल के भी दही नहीं मिला, अच्छे असलो मजा किरकिरा देगी।
ये इधर चूहा थोड़ा काटे हैं ना, इनको फेंक देते हैं। आप लोग इसी तरह बने रहिएगा, बने रहे आप लोग। दोस्तों हम खा लिए हैं और खा के यहाँ पे आ गए। अब दोनों बच्ची भी खा रही है, उधर हमारे हस्बैंड जी भी खा रहे। हो गया खाना सुनी? मात्र एक रोटी खाई है, मात्र एक रोटी। देखिए हो गया उनको। और ए सुनी, हो गया, अब नहीं खाएगी? जाओ खा। हम सोचे नहीं खाएगी। यहाँ पे देखिए छाली रोटी चल रहा है, और छाली रोटी खा के वहाँ पे देखिए दूध रोटी। बहुत अच्छा लगता है छाली रोटी खाने में, क्या शिवानी? कितना अच्छा लगता है खाने में। इसमें सब्जी भी ना मिले ना क्या? हमको सब्जी चाहिए दोस्तों, ये अभी तक नहीं बना है, सिर्फ हमको सूखा रूखा दे रहा है। दोस्तों आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, छाली से बढ़ के सब्जी होता है क्या? होता है शिवानी? दूध रोटी कहेगा तो दूध रोटी में सब्जी चाहिए, लेकिन छाली सब्जी से भी बढ़ के होता है। लेकिन कहाँ बोले? हाँ वही ना बोले, हम छाली दिए थे ना पहले आपको। तो चलिए दोस्तों हम लोग खा लिए, और अभी थोड़ा देर में हम लोग निकलेंगे, क्योंकि अभी काफी धूप हो चुकी है और पापा जी सब थे नहीं थे घर में, इसलिए लेट हो गए। और आज खेत भी नहीं गए हैं, खेत में तो मूंग बहुत ज्यादा पका हुआ है। बहुत ज्यादा टेंशन होता है दोस्तों कि धूप पानी आने के कारण ना सब गल जाएगा, इतना ज्यादा पका हुआ है कि मत पूछिए। इसलिए मजबूरन हम लोग को जाना पड़ रहा है, और बेचारा मजबूरन खा रहे हैं दूध रोटी, नहीं तो नहीं खाते थे बिना रोटी सब्जी का। तो चलिए इसी तरह आप लोग बने रहिए।